जब लाठी चार्ज हुआ उसके बाद सारे स्टूडेंट को, मतलब अप्रॉक्स 60 स्टूडेंट्स को वो लोग वैन में ज़बरदस्ती, बहुत उसी समय बेहोश हो रही थी फिर भी सबको वैन में भर के पीरबहोर थाना में ले जाया गया। वहाँ कोई फर्स्ट एड भी नहीं किया गया। वैन में लड़कियाँ बेहोश हो रही थी लेकिन फिर भी वो लोग वैन खोल नहीं रहे थे। आधे घंटे तक वैन को पैक करके रखा गया। अभी भी बहुत सारी लड़कियों का हाथ पाँव फ्रैक्चर है, किसी का सर फटा हुआ है। बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। देखिए, एक तरफ बात होती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ इन्हीं बेटियों पे लाठियां भी चलती है। जी, हम बात कर रहे हैं पीएमसीएच जीएनएम नर्सिंग की छात्राओं पे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जिस तरह से पुलिसकर्मियों द्वारा मारा गया, आपको पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा जिस तरह से इन पर लाठियाँ बरसाई गई, और एक तरफ बात होती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ लाठियाँ भी बरसती है, हम इन छात्राओं से जानेंगे कि उस दिन का मंजर कैसा था और किस तरह से जो है इन पर लाठियाँ बरसी। क्या नाम हुआ आपका? जीएनएम स्टूडेंट। सारी अच्छा, उस तरह से जिस तरह से पुलिस के द्वारा लाठियां आप लोग पे चलाई गई, ये कितना सही था और कितना गलत? सही तो किसी मायने में ही था क्योंकि हम शांतिपूर्ण अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हमारी अधिकारों को मांगना कोई गलत नहीं होता है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वो किसके कहने पर करवाया गया, क्यों करवाया गया, ये सरकार जवाब देगी। इसकी पूरी जवाबदेही सरकार की होती है। क्या वहाँ पे महिला पुलिसकर्मी थी? हाँ, महिला पुलिसकर्मी थी, उनके द्वारा भी और साथ ही पुरुष पुलिसकर्मी द्वारा, दोनों द्वारा ही हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। दोनों के द्वारा आप लोगों पे? वहाँ के ऊपर, वहाँ हमारे प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट और वहाँ के एडीएम और जो मैजिस्ट्रेट खान सर थे उन सबके उपस्थिति के सामने हम लोग लाठीचार्ज किया गया। हाँ अच्छा, जहाँ लाठी चार्ज होने के बाद आप लोग को वहाँ पे मेडिकल की जरूरत थी, वहाँ आप लोग को फिर बहौर थाना में ले जाके भर दिया गया। जब लाठी चार्ज हुआ उसके बाद सारे स्टूडेंट को, मतलब अप्रॉक्स 60 स्टूडेंट्स को वो लोग वैन में ज़बरदस्ती, बहुत उसी समय बेहोश हो रही थी फिर भी सबको वैन में भर के पीरबहोर थाना में ले जाया गया। वहाँ कोई फर्स्ट एड भी नहीं किया गया। हम लोग एक दो स्टूडेंट मिलके और कुछ जो कुछ सपोर्टर्स थे, कुछ भैया लोग जो थे वहाँ पे पीएमएसयू वाले, कुछ जो हम लोग के पेरेंट्स भी आए थे, तो वो लोग के सपोर्ट से हम लोग खुद फिर पटना ये पीएमसीएच में लेके आए थे उन लोगों को। बट यहाँ पे भी पहले बोला गया कि कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, फिर एक कम्युनिस्ट के एक लीडर आए थे शायद ये वाले विश्वजीत सर, तो उनके कहने के बाद फिर हम लोग का ट्रीटमेंट शुरू किया गया। पहले मार पड़ी, ट्रीटमेंट नहीं हुआ, डायरेक्ट थाना ले जाया। बिल्कुल। क्या क्या हुआ थाना के अंदर आप लोग? थाना के अंदर हम लोग वैन में, लड़कियां बेहोश हो रही थी लेकिन फिर भी वो लोग वैन खोल नहीं रहे थे। आधे घंटे तक वैन को पैक करके रखा गया। बहुत लड़कियां बेहोश हो रही थी, फिर हम लोग बहुत बहुत बोलने पे कि सर प्लीज़ खोल दीजिए, लड़कियां बेहोश हो रही है, फिर भी वो लोग कुछ नहीं सुन रहे थे। फिर वैन को खोला गया, वो लोग कोई फर्स्ट एड कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिए, इवन वाटर भी नहीं दिए वो लोग हम लोग के लिए। हम लोग खुद सबसे बाहर के जो हम लोग के कुछ रिलेटिव्स आए थे वही लोग हम लोग को वाटर, ग्लूकोज, फर्स्ट एड सब कुछ दिए थे, तब कुछ लड़कियाँ ठीक रही। आप लोगों का तो धरना शांतिपूर्वक था, कुछ उग्र था नहीं, फिर भी इस तरह से क्यों? ये तो सरकार जवाब देगी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण था और अपने कैंपस के अंदर था, उसमें कोई गलती नहीं थी। हम लोग अपने कैंपस के बाहर, हम लोग का जो कैंपस है, मतलब हम लोग का जो जीएनएम गेट है उसके अंदर ही हम लोग बैठे थे, शांतिपूर्ण बैठे थे, बस अपने डिमांड का मांग कर रहे थे कि आप हमें हॉस्टल जो है वो पटना में ही प्रोवाइड करवाइए, पीएमसीएच के 5 किलोमीटर के दायरे में ही प्रोवाइड करवाइए। तो ये लोकतांत्रिक देश में अपना हक मांगना तो गुनाह नहीं है, तो हमारा राइट है कि हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। हम लोगों ने किसी को बाधित नहीं किया था, फिर भी उन लोगों ने हम लोग को, एडीएम के कहने पे उन एडीएम आए और मजिस्ट्रेट खान थे, हमारी प्रिंसिपल थी, सबके सामने हम लोगों पे लाठी चार्ज करवाया गया। एक तरफ बात होती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ लाठियां चलती है, तो कैसा लगता है? ये तो गवर्नमेंट बिल्कुल एकदम एक तरह से जुमला है, ये तो सारी जनता देख सकती है कि इसका क्या उदाहरण है बिहार में। बिहार के नीतीश कुमार भी महिलाओं की बात करते हैं, हमारे माननीय पीएम मोदी जी भी महिलाओं की बात करते हैं, उनकी शिक्षा की बात करते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं, लेकिन किसी तरह से यही हमारा उत्थान है कि बेटियों को लाठी से मारा जाए। यहाँ तक कि सबको थाना ले जाने के बाद जो गिनी चुनी लड़कियाँ, 2-4 लड़कियाँ कुछ बीमार थीं या फिर किसी वजह से हॉस्टल में फंस गई थी, उन्हें रातों रात हॉस्टल से खाली करवा के सामान के साथ बाहर फेंक दिया गया। लड़कियाँ हाथ पैर जोड़ती रहीं कि मैम इतनी रात को हम लोग दूर से हैं, कुछ भागलपुर की थी, कुछ खगड़िया की थी, लेकिन किसी की कोई बात नहीं सुनी गई। रात को 10 से 11 बजे के लगभग सबको बाहर कर दिया गया। लड़कियाँ प्लेटफॉर्म पे पड़ी रहीं। कितनी लड़कियाँ ऐसी थी जिनके पास पैसे नहीं थे घर जाने के, खाने को पैसे नहीं थे, सब भूखी प्यासी पड़ी रहीं।
अच्छा, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद पूरी उम्मीद के साथ यहाँ आती हैं, फिर इस तरह का व्यवहार, और उसके इस तरह से हमने देखा भी जिस तरह से मार पड़ी, बहुत सारी लड़कियाँ बेहोश भी हो रही थी और बहुत सारी लड़कियों के पैर से भी खून आया था जिस तरह से उन्हें पड़ा। अभी भी बहुत सारी लड़कियों का हाथ पाँव फ्रैक्चर है, किसी का सर फटा हुआ है, अभी भी बहुत सारे एडमिट हैं, बुरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं, रिकवर नहीं हुई हैं। आप लोग अभी भी अपने मांग पे स्टैंड हैं कि बस हमको पटना के ही अंदर दीजिए, यहीं दीजिए? हमारी मांग पे हम हमेशा रहेंगे जब तक हमको हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी। हम कोशिश करेंगे, जितना कर सकते हैं उतना कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमारे साथ जे एन एम नर्सिंग की छात्राएं थी, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि इनको हॉस्टल चाहिए जो कि पटना में ही चाहिए, 10 किलोमीटर के अंदर के दायरे में, और जिस तरह से सरकार इन्हें भेज रही थी वैशाली से 14 किलोमीटर आगे, जो कि सेफ़ नहीं था। ये लोग का वैसा कहना है कि सेफ़ नहीं था वहाँ पर महिलाओं के लिए, और इन लोग को चाहिए यहीं के लिए, क्योंकि यहाँ जो है ये लोग का हर चीज़ प्रैक्टिकल से लेकर हर चीज़ जो है यहाँ बेहतर होगा, और वहाँ से अप डाउन करने में काफ़ी तकलीफ़ें होंगी और काफ़ी टाइम भी जो है बर्बाद होगा। वहाँ बेड्स भी नहीं थे, करीब 30 बेड थे, है ना? हाँ, अगर हम सीखेंगे तो ये हमारे लिए तो है नहीं, हम फ्यूचर में आप सर्विस ही प्रोवाइड करेंगे ना। 200 स्टूडेंट्स और 30 बेडेड हॉस्पिटल है वहाँ, सदर हॉस्पिटल है। तो देखिए, वहाँ 30 बेड थे, सदर हॉस्पिटल है, 200 करीब छात्राएं हैं। अब आप भी सोच सकते हैं कि किस तरह से तकलीफ़ों में ये लोग, जब इतना एग्ज़ाम देके इतनी मेहनत से आई हैं, तो इस तरह से तकलीफ़ों में पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा। एक तरफ बात होती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की, और दूसरी तरफ उन्हीं बेटियों पर लाठीचार्ज होती है, वो भी पुलिस कर्मियों द्वारा, जो कि ये पुरुष पुलिस कर्मियाँ हैं। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।